हमारे महापुरुष कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि सत्व की वृद्धि के लिए आप में सात्विकता आए, पवित्रता आए, आप में दिव्य ऊर्जा और तेज का जागरण हो, इसके लिए आहार पवित्र बनाओ। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व वृद्धि, आप में सात्विकता आएगी अगर आहार आपका पवित्र है तो। तो जितने व्रत नियम उपवास पूजा पाठ हैं वो आहार की शुद्धता से ही शुद्ध होते हैं। इसलिए हम भारतीयों को ये बात समझ आती है कि हमें उपवास करना चाहिए, शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए, शाक फल लेना चाहिए, अधिक लवण न हो, तीक्ष्णता न हो, रुक्षता न हो, दाहकता न हो। भारतीय तो जानते हैं इस बात को, उपवास करते हैं, कई बार अन्न को त्याग देंगे, जड़ पदार्थों का त्याग कर देंगे, शाक फल ही लेंगे, भूमि शयन करेंगे। अन्न से ही तो मन बनता है, अन्नाद ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है लेकिन अन्नाद मन, अन्न से मन बनता है, पानी से वाणी बनती है। तो हमारे यहां तो जल का भी विचार बताया कि जल कैसा होना चाहिए, जल की शुद्धि बताई है कि उसे उबालिए, छानिए, जल पर कितना विचार है हमारे यहां, वायु का बड़ा विचार है, हमारे अन्न का बड़ा विचार है। हम कितने समतावादी बन जाएं लेकिन हर किसी के साथ अन्न का व्यवहार नहीं करते, रोटी बेटी का व्यवहार अभी भी एकदम खुला कहां है भारत में, किन के साथ रोटी बेटी के संबंध रखने हैं, रोटी माने अन्न, अन्न के साथ, अन्न की बड़ी महिमा है। अन्न को क्या करें, उसको प्रसाद बनाइए। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मभि ब्रह्मागनौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनः। इसलिए अर्पण करो, अन्न आहुति दीजिए, यज्ञ कीजिए, अन्न को प्रसाद बनाइए। हम तो निवेदन करेंगे आपसे कि भोजन भगवान को पहुंचाओ, अपने घर के भोजन को, अपने घर के आहार को भगवान को समर्पित करो, प्रसाद बनाइए, तुलसी रखिए उसमें। और जब अन्न आपका प्रसाद बन जाएगा तो अन्न के बाद प्रसाद बन जाने से हानि नहीं होगी। शास्त्र कहता है प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। अन्न में तुलसी रखो, भगवान को निवेदित करो, कहो उनसे प्रभु इसे ग्रहण कीजिए, तो द्वयम् वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। साधु महात्माओं को, जो भिक्षुक हैं, उनको भी ऐसा ही निर्देश है कि वो जब भिक्षा ग्रहण करें तो ऐसा ही विचार करें कि अन्नपूर्णा उन्हें भिक्षा दे रही है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। भगवान ने स्वयं काशी में भिक्षा मांगी, पार्वती को लगा के क्या कर रहे हैं, जो देवाधिदेव हैं, महादेव जो सर्वसमर्थ है, ये कर क्या रहे हैं, अब इनको भिक्षा मांगनी है तो खड़ी हो गई अन्नपूर्णा बनकर, लो मेरे से ही ले लो। मां अन्नपूर्णा बनकर उनको भिक्षा देने लगी, दाता दीन बन रहा है। हम साधुओं को भी ऐसे ही सिखाया जाता है कि जब माताएं भोजन परोस रही हों तो ये बुद्धि रखो कि माताएं नहीं अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा प्रसाद दे रही है, प्रसाद से बुद्धि शुद्ध होती है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। अन्न भी जब ग्रहण करो तो उसमें प्रसाद की भावना रखो।